अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के स्टूडेंट हैं या आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये पंजाब से आए हमारे पास अमरिक, तो आप मुझे बताइए। हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ, तुम पीछे चले जाओ, पीछे आ जाओ, आ जाओ पीछे, इसको एडिट कर देना। तो हम इनसे पूछेंगे दोस्तों चार्जिंग सेक्शन, तो मुझे बताओ एक यूनिवर्सल 5 पिन का चार्जिंग कनेक्टर की सप्लाई है, 5 होती है। एक नंबर पे होता है रिचार्ज, 2 नंबर पे होता है डाटा नेगेटिव, 3 पे होता है डाटा पॉजिटिव, 4 पे होता है आईडी और 5 पे होता है ग्राउंड। ग्राउंड, अच्छा ये डी माइनस डाटा डी प्लस, ये होता काहे के लिए? सर ये यूएसबी के लिए होता है, यूएसबी के लिए होता है, डाटा का ट्रांसफर करने के लिए होता है, और ये फ्लैशिंग के टाइम पे भी यूज होता है, होता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ ये आईडी वाला, अगर उसमें सिर्फ आईडी रहता है या कभी कभी हम देखते हैं नॉट कनेक्टेड भी मिल जाता है? मतलब फोर्स डिटेक्ट जो हम करते हैं चौथा वाला फोर्स डिटेक्ट के लिए होता है, चलिए ठीक है। अच्छा मुझे बताइए जो चार्जिंग का जो सप्लाई होती है इसमें कॉम्पोनेंट कौन कौन से लगे होते हैं, कैसे पता चलेगा कि चार्जिंग कि मेरी आईसी किधर है या कैसे पता करूंगा कौन? अगर, अगर पता करना है तो चार्जिंग आईसी के पास एक कोर रजिस्टर लगाते हैं, उससे पता चलता है कि चार्जिंग सेक्शन है। सर जो बेसिकली चाइना के फोन होते हैं ना उनमें चार्जिंग आईसी के पास एक कोर रजिस्टर लगा होता है, इससे पता चलता है कि वो चार्जिंग आईसी चार्जिंग सेक्शन है। जैसे चाइना के फोन जैसे कि मीडियाटेक के सारे लावा, आपके माइक्रोमैक्स सारे, एंड्रॉइड भी, इवन कीपैड भी, तो उसमें 6 लेग की आईसी होती है और एक कोर रजिस्टर होता है और एक 8 लेग की भी होती है आईसी। 8 लेग की भी होती है सर, गन्नों में, और इसमें एक डायोड लगा होता है, एक डायोड लगा होता है और ट्रांजिस्टर भी, होता है। तो ट्रांजिस्टर भी आपको देखने को मिलता है जिसकी सप्लाई मैंने आपको बता चुकी है। अच्छा और जो बड़े फोन है जैसे आईफोन है, सैमसंग है, एमआई है, उसमें चार्जिंग आईसी कैसे ढूंढोगे, कैसे पता चलेगा? इसमें सर बॉल आईसी लगे होते हैं और उसको ट्रेसिंग करके पता कर सकते, ट्रेसिंग करोगे, उसमें कोर रजिस्टर नहीं लगा होता, अच्छा मुझे बताओ कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जिनर डायोड कब लगाना चाहिए, आप मुझे बताओ जिनर डायोड कब लगाना चाहिए? सर मान लो हमारा आईसी खराब हो गया है और हमें कोई बाहर से आईसी नहीं मिल रहा, उस समय हम जिनर डायोड लगाएंगे। तो एक आईसी काम क्या करता है? जो जिनर डायोड आईसी होता है ना सर, वो पूरा वोल्टेज देता है। कितना वोल्टेज देता है, कितना वोल्टेज का जिनर डायोड खरीदोगे? 3.9 से 4.2 का खरीदोगे। 3.9 का भी ले सकते हो, 4.2 का भी कर सकते हो। ये जिनर डायोड का काम क्या होता है मुझे? जिनर डायोड सर फिक्स वोल्टेज देता है, बिल्कुल 5 से 6 वोल्टेज देगा, मतलब ये चार्जर के इनपुट से जितना भी मिलेगा उसको, उसको ये जितना वोल्टेज का ये होगा उतना दे देगा। पर हमने रियल जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमने देखा कि बहुत से टेक्नीशियन भी बोलते हैं कि जब हम 4.2 का वोल्टेज का जिनर डायोड लगाते हैं पर हमें मिलती है सप्लाई 4.8, तो उस टाइम पे हम क्या करें? सर उस टाइम हमें जिनर डायोड के इनपुट में एक रजिस्टर लगा सकते हैं और आउटपुट में एक डायोड, सिंपल डायोड लगा सकते हैं पैरेलल में। तो चलिए ठीक है, आपने बताया यहाँ पर कि जिनर डायोड हम यूज कर सकते हैं और जिनर डायोड में अगर वोल्टेज ज्यादा है तो उसमें हम इनपुट में रजिस्टर देके उस वोल्टेज को कम कर सकते हैं और आउटपुट में एक डायोड पैरेलल में डाल के, और वो डायोड हम कोई सा भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं और मोबाइल फोन से भी उठा सकते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। दोस्तों हमने एक नया एप्स लेके आया है स्मार्टफोन, हम बात करेंगे यहाँ पे पूरा हार्डवेयर की, तो बेसिकली जो हार्डवेयर होता है जिसमें हम सेक्शन वाइज उसको हम बांटते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट हार्डवेयर सॉल्यूशन। आपको करना है क्या दोस्तों, इस एप्स को ओपन करना है, एंटर टू इंस्टीट्यूट करना है, मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा कि इस एप्स को कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट हार्डवेयर सॉल्यूशन, जैसे कि बता रहा हूँ मोबाइल फॉल्ट क्या होता है, पीसीबी या स्मार्टफोन रिपेयरिंग क्या होती है, कौन कौन से जो लेवल होते हैं रिपेयरिंग में, कौन सी मेथड होती है, मोबाइल आईसी के बारे में जानकारी, और दोस्तों इसके साथ में जुड़ी जो मेन सेक्शन है जैसे रिंगर सेक्शन, स्पीकर सेक्शन, माइक सेक्शन, वाइब्रेटर डिस्प्ले, और यहां पर आपको मिलेगी कंप्लीट जानकारी। तो दोस्तों इस एप्स को आज ही डाउनलोड करें, इस एप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और वहां पर लिखना होगा दोस्तों एशिया टेलीकॉम, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद दोस्तों आप चले जाए मेरे किसी भी एप्स पर, और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाइए, किसी भी एप्स को खोल लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइए और यहाँ पे देवरत्न अग्रवाल और मोर लिखा होगा, मोर को क्लिक करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मेरे सारे एप्स मिल जाएंगे, जहां पर ही आपको मिल जाएगा स्मार्टफोन रिपेयर। तो मोबाइल हार्डवेयर का ये जो टूर है इसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है, आप डायरेक्ट वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको डाउनलोड कर ले, और ये केवल 2 MB का एक एप्स है और ये आपके मोबाइल में बिल्कुल भी मेमोरी नहीं लेगा, और ये केवल 2 MB में, और इसमें कंप्लीट आपको डाटा मिलेगा और समय समय पे उसपे अपडेट करेंगे और उसपे हम दोस्तों पिक्चर्स भी ऐड करेंगे और वीडियो भी ऐड करेंगे। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें,
एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी एप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. हमारे एप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी एप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.